नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। बॉलीवुड की सबसे पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी की बात करें तो उसमें हीरा फेरी का नाम सबसे पहले आता है, बल्कि यही वह फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा में फ्रेंचाइजी का दौर शुरू किया था। फिल्म के दो पार्ट तो आए, तीसरे पार्ट की शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन किन्हीं वजह से जो बीच में ही रुक गई। क्यास लगाए जाने लगे कि अब ये फिल्म नहीं बनेगी। फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरा फेरी फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा रहे एक्टर सुनील शेट्टी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि हीरा फेरी 3 बनेगी और ये प्रोसेस में है। बता दें कि इस फ्रेंचाइजी में सुनील संग, अक्षय कुमार और परेश रावल की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सुनील शेट्टी का कहना है कि तीसरे पार्ट में भी वे तीनों ही होंगे। हाल ही में जूम से बातचीत के दौरान सुनील ने हीरा फेरी 3 के बारे में पूछे जाने पर कहा, हीरा फेरी 3 बनेगी और ये प्रोसेस में है, ये ठंडे बस्ते में नहीं गई है और जरूर बनेगी। हीरा फेरी 3 हम तीनों के साथ ही बनेगी, क्योंकि हम तीनों इसमें दिलचस्पी रखते हैं। कुछ समस्याएं थी जो अब धीरे धीरे सुलझ रही हैं। पहले ऐसी खबरें आई थी कि हीरा फेरी 3 में अक्षय कुमार नहीं होंगे और उनकी जगह जॉन अब्राहिम और अभिषेक बच्चन फिल्म का हिस्सा होंगे, लेकिन अब सुनील शेट्टी का बयान से साफ है कि अक्षय भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए, ये तो कंफर्म हो गया है कि अब हीरा फेरी 3 बन रही है, लेकिन फैंस को इसकी रिलीज का कितना इंतजार करना पड़ेगा जो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। बात करें फिल्म की कहानी की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें टाइम लीप दिखाया जाएगा और अक्षय, सुनील शेट्टी व परेश रावल का लुक भी एकदम बदला हुआ होगा। खबर ये भी है कि हीरा फेरी 3 को प्रिय दर्शन डायरेक्ट करेंगे।